दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल से अगर इस प्रकार का इंट्रो अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे अपने मोबाइल से इस प्रकार का ऑनलाइन इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, और क्रोम जैसे भी यहाँ पे ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है सर्च बॉक्स पर। तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स पर जाता हूँ एंड दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लिक्स प्रेस, जो कि देखते हैं आपको यहाँ पे फ्लिक्स प्रेस लिखकर सर्च करना है। और दोस्तों जैसे भी यहाँ पे फ्लिक्स प्रेस लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे साइट देखने को मिल जाएगा फ्लिक्स प्रेस का, जो कि मेन साइट। तो आपको यहाँ पे फ्लिक्स प्रेस का साइट पर क्लिक करना है। तो इस साइट पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे फ्लिक्स प्रेस के साइट पर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में अभी लेटेस्ट इंट्रो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में इंट्रो बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड दोस्तों जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पे फिर से ओपन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आप चाहे तो एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट करना है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन विद द गूगल अकाउंट। तो इस पर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ एंड दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा जीमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी जीमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों फ्लिक्स प्रेस में आपका यहाँ पे जो कि साइन अप हो जाएगा। और साइन अप हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से नीचे आना है। तो नीचे आपको यहाँ पे ढेर सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि इंट्रो टेम्पलेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जो इंट्रो में आपको शुरू में दिखाया वीडियो के शुरू में, तो उस इंट्रो को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट के दो नंबर में ये टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चाहे तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंट्रो शो होता है। लेकिन दोस्तों इस इंट्रो को आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है। तो आपको इसको मैं प्यूज कर लेता हूँ एंड दोस्तों आपको इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज नाउ का। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज नाउ पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कस्टमाइज नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली अपना चैनल का जो लोगो होता है वो लोगो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं लोगो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे डन पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों आपका इमेज यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पर क्लिक कर देना है एंड दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पे शो करेगा आपका इमेज यहाँ पे कितना फिट हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप में मिलता है मेन टाइटल, जो कि आपको अपना चैनल का नेम यहाँ पे टाइप करना है। तो मेरा चैनल का नाम है क्रिएटर सर्च, तो मैं क्रिएटर सर्च यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एंड दोस्तों इस प्रकार से आपको बैक करना अपना, जो कि आपको अपना चैनल का नेम किस कलर में रखना है। कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर बेसिकली रखना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जो कि यहाँ पर रेड कलर ही रहने देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना इमेज दिखाई देता है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक्सटर्नल, जो कि एक्स्ट्रा ऑडियो लगा सकते हैं अपना, जो कि इंट्रो में आप यहाँ से ऑडियो पर एड ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी ऑडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे इंट्रो म्यूजिक देखने को मिल जाता है, तो आप चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है 720p 1080p। तो आपको यहाँ पे बेहतर होगा 1080p आपको यहाँ पे कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये आपका इंट्रो का क्वालिटी सही आएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे क्रिएट ए प्रीव्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक बार आपको यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू दिखा देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप जैसे भी यहाँ पे व्यू माई प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका इंट्रो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्रीव्यू देख लेना है कि आपका इंट्रो सही से बना है या फिर नहीं बना है, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। तो इस इंट्रो को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है माई ऑर्डर में, और माय ऑर्डर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, जो कि देखते हैं डाउनलोड एंड शेयर का। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड शेयर पर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड एचडी, डाउनलोड एचडी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड एचडी पर। तो इस प्रकार से मैं डाउनलोड एचडी पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों मेरा इंट्रो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं डिटेल पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखते मेरा इंट्रो यहाँ पर डाउनलोड हो ही रहा है। और दोस्तों जैसे आपका इंट्रो डाउनलोड होता है इसको आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, जो कि आपका इंट्रो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मेरा चैनल का इंट्रो यहाँ पे बन चुका है, जो कि देखते हैं यहाँ पे विदाउट वाटरमार्क का आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये हुआ कमाल का इंट्रो। दोस्तों आप भी इस प्रकार का इंट्रो बना सकते हैं और इस इंट्रो को यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।